महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बयानबाजी के सिलसिले तीखे होते नजर आ रहे हैं। कहीं बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी को लेकर विवादित बयान देते दिखाई देते हैं, तो कहीं सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दलों की विपक्षी दलों के साथ जुबानी जंग छिड़ जाती है। इसी कड़ी में अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपने निशाने पर ले लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल तक कह डाला। दरअसल कुछ ही दिन पहले उद्धव ने फडणवीस का नाम लिए बिना कहा था कि महाराष्ट्र में या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। और जब अपने उसी बयान को दोहराते हुए उद्धव ने कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने फडणवीस को कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूं। आपने कहा कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, आपके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम आपके साथ खिलवाड़ कर सके। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। ठाकरे ने कहा कि जो लोग विनाश करते हैं वो सत्ता में नहीं रह सकते, इसलिए मैं कहता हूं कि या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। उद्धव ने इस बार फडणवीस पर सीधा हमला बोल दिया है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी करारा तंज कसा है। उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया। ठाकरे ने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा, अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। ठाकरे ने सवाल किया कि अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता जिहाद शुरू करने के आरोप लगाए। उद्धव ने कहा कि सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया है। ठाकरे ने जनता से पूछा कि आपको ये अब्दाली चाहिए या मैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।